दिन था और आज और मुबारक दिन यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और तीन फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत ज़रूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को, ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे देंगे। और ख़ासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। डॉक्टर साहब, तीन फेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट के अंदर आपको लगता नहीं समय कम मिला है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि कम समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे, आप लड़ेंगे? आप मैं लड़ूंगा, जब स्टेट हुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि पार्टी हैज़ टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आपको जो राहत मिली है ईडी की तरफ से, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस पर पीडीपी ये कह रही है, उनके कुछ बयान आए, वो कहते हैं कि आपने अपोजिशन को डिवाइड कर दिया, पहले पीडीपी का साथ छोड़ दिया, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और इसीलिए किसने छोड़ा? अब मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ, किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में, लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतारे यार मुझे यहाँ तो मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं हैरान है। एक बात है, मैंने कहा पार्टी डिसाइड करे, इसके बाद भी ये सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो कहता है। आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, कितनी स्टेट हुड के लिए क्या कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसकी उम्मीद, कितनी सीटें लेने की उम्मीद? हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है, जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। स्टेट हुड के लिए एनसी का क्या? हम लोग चाहते हैं स्टेट हुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेट हुड होगा और पूरा स्टेट हुड होगा। महिलाओं को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी जो आपकी पार्टी की महिलाएं हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बहुत टाइम से थोड़ा बहुत मिला लेकिन अब नहीं। अगर आपकी कोई बहन और बीवी है जो लड़ना चाहती है बता दीजिए, हम उसको देखेंगे कि उसका कितना उसका उसमें है। प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज ऑलवेज बिलीव्ड दैट वीमेन मस्ट गेट देयर राइट, वी हैव फॉट इन द पार्लियामेंट ऑल्सो फॉर वीमेन्स एम्पावरमेंट and we'll continue to fight for their empowerment. ये मर्द ही हैं जो उनको नहीं दे रहे हैं, चांस नहीं देना चाहते। ये जो इन्हें बिल पास की है, मैं भी देखता हूँ वो कब फाइनल स्टेज पे आएगी। 50 प्लस बीजेपी कह रही है हम आंकड़ा पार करेंगे। मैं कहता हूँ कि वो 100 के 100 ले लें वो तो ये भी कहते थे ना, क्या आप भूल गए? 370 पार, 470 पार, आप देखिए उनका कितना मिला। क्या लगता है, क्योंकि ऐलान हो गया है चुनावों का, अब आप जब जनता के बीच जाएंगे वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इतना इंतजार कीजिए, हमारा मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, उसमें सब चीजें दर्ज है। उमर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में, वो कहते हैं कि जो ट्रांसफर हुई है आज कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए सब कुछ हो रहा है। मैं तो खुद समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, अगर वो लेवल फील्ड चाहते हैं तो ये देखना चाहिए उनको ट्रांसफर किस बिना पे किया गया। व्हाई हैव दे बीन ट्रांसफर्ड? फारूक साहब, 10 दिन के बाद जो है लास्ट फेज की नॉमिनेशन की डेट है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की अगले कुछ दिनों में आ जाएंगी, 2-4 दिनों में? हुजूर, आप देखिए, इतनी जल्दी आएंगे
जितनी जल्दी बारिश नहीं आती उससे जल्दी हमारे पाकिस्तान के साथ बातचीत का रहेगा मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ बातचीत का आप जाइए बातचीत करिए डॉक्टर साहब चुनाव से पहले जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर सरकार की पावर्स हैं वो एलजी को ट्रांसफर किए हैं उसे किस तरीके से दिस विल नॉट स्टे व्हेन द स्टेट इज रिस्टोर्ड स्टेटहुड मींस ऑल पावर टू द स्टेट वी नॉट दिल्ली वी आर जम्मू एंड कश्मीर आप हमारी इज्जत लूटना चाहते हैं क्या डोगरों की इज्जत नहीं है कश्मीरियों की इज्जत नहीं है पहाड़ियों की इज्जत नहीं है गुजरों की इज्जत नहीं है क्या हमारे ऊपर अफसर रहेंगे कौन सी रियासत मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कैसे प्रधानमंत्री से कहता हूं कैसा लगे उनको अगर गुजरात में ड्यूटी बनाई जाए और वहां का जो वजीर आला है उसके पास कुछ नहीं हो कैसा लगेगा उनको क्योंकि वो वजीर आल रहे हैं इसका जवाब देना चाहिए उन्हें सर कश्मीरी पंडित जो है कश्मीरी पंडित हमेशा कहते हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है मुझे याद है एमएलसी आपने बनाया था बकाया अरे क्यों ये बताइए हंडू साहब क्या थे मुझे ये बताइए हंडू साहब क्या थे दैट इज वे बैक वो कश्मीरी पंडित था 96 आई एम टेलिंग यू व्हेन आई वाज चीफ मिनिस्टर हंडू साहब थे यस एंड ही वन फ्रॉम द मुस्लिम एरिया उसके बाद क्या ऑलवेज वी हैव हिंदू एंड सिख यहाँ पे आप देखिए सिख 28,000 वोट लेके हार गया उसके बाद भी मैंने उसको हुकूमत में लाया इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन दी अगर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे जिनकी कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसी ने तो अपर हाउस था आपको याद नहीं है मेरे पास 8 सीटें थी मैंने 6 सीटें जम्मू को दी सिर्फ 2 सीटें कश्मीर को दी सर अ क्वेश्चन ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस टू क्वेश्चंस फर्स्ट आर यू इन टच विद गुलाम नबी आजाद सेकंड क्वेश्चन इज वेदर सज्जाद लोन एंड अल्ताफ बुखारी विल आल्सो बी जॉइनिंग योर फ्रंट अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी एज फार एज सज्जाद इज कंसर्न एज बुखारी इज कंसर्न दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ बीजेपी सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एज फार एज आजाद इज कंसर्न ही हैज सेड ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन द मीटिंग इन द फाइट So there's no problem left. Sir, you said Azad is not going to be in the fight. Has he conveyed it to you that he's not going? No, I read it in the paper. Okay. So no talks with him also. No, you ring him, find out. डॉक्टर साहब जो जम्मू में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं कई जवानों ने शहादत भी पाई है क्या लगता है कि भाजपा जो दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है लेकिन जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं क्या लगता है कि इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा जब तक बीजेपी ये नहीं समझे कि भारत के सब लोग यहाँ के आदमी हैं वो मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो बौद्ध हो वो भी जैसा कोई धर्म नहीं है भारत जो है वो अनेकता में एकता है उस अनेकता को जब तक हम लोग मजबूत नहीं करेंगे हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते सर क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है क्या आने वाले वक्त में आप पीडीपी और कांग्रेस के साथ दोनों से बात करेंगे क्या अलायंस देखा जाएगा अगर जनरल ये कहे कि मैंने किस फ्रंट पे लड़ना है मैं समझता हूँ जनरल ने पहले मैदान छोड़ दिया है मैं जनरल हूँ मैं जो करने वाला हूँ वो आपको वो स्वर बता उमर साहब और आप में ये नहीं आई एम फारूक अब्दुल्ला यू टॉक टू फारूक अब्दुल्ला ये चीज कहा जाता है कि उमर साहब अलायंस नहीं चाहते आप चाहते हैं आपका जो विजन है वो ब्रॉडर है वो कहते हैं कि उमर साहब सोलो जाना चाहते हैं लोकसभा इलेक्शंस में भी वो सोलो गए और लेट मी टेल यू यू आर रॉन्ग आई वांट टू फाइट सोलो आई वांट टू सी वेयर वी स्टैंड इट नाउ डिपेंड ऑन द पार्टी व्हाट दे वांट टू डिसाइड सर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन चुका है अरे बेरोजगारी मत छोड़ो सिर्फ महंगाई कम है महंगाई भी आसमान से छू रही है आपके पास रोड मैप है उसका महंगाई कम करवाने का रोड मैप आप देखिए जनाब अगर आ गए मैं अगर आपको भी महंगाई कम ना कर दूं तो मुझे फारूक अब्दुल्ला स्मार्ट मीटर जो है आपकी अगर सरकार आती स्मार्ट मीटर पर क्या निर्णय लेंगे पहले तो मैं आपसे एक कहूँ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप वो मैनिफेस्टो पढ़िए उसमें हमने सब लिखा हुआ कब तक मैनिफेस्टो लॉन्च वेरी शॉर्टली विल रिलीज इट सर एक नेशनल मुद्दा जो चल रहा है अभी डॉक्टर जो मारी गई है कोलकाता में देखिए मैं खुद डॉक्टर
अफसोस इस बात का है, आज हमारे भारत में किसी भी रियासत को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए, क्या वह हमारी माँ बहन की इज्जत रहती है? कितनों को रेप नहीं किया, कितनों को रेप करके मार नहीं गया, मुझे बताइए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट लाओ कि वो अपने लिए खड़ी हो सके। बड़ा अफसोस का मुद्दा है कि एक डॉक्टर औरत और जिसने मारा, ना सिर्फ रेप किया, मारा, तो उसका नाम ना निकले। अब वहां की गवर्नमेंट तक है कि साहब मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे आप, उसमें आपके साथ So there is not a single thing that will not be on that manifesto. डॉक्टर साहब, कोलकाता वाला जो डॉक्टर वाला इशू है, उसमें आज ममता बनर्जी हाथ को वोट दिया था और वहां देखा वहां सब फूल था, जम्मू कश्मीर में भी। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए शुक्र है अल्लाह का कि कपिल सिब्बल साहब ने बहुत जबरदस्त इसमें स्टडी की और एक फॉर्मेट बनाया है। जितने भी हमारे वहां पे एजेंट्स होंगे, वो फॉर्मेट उनके पास होगा, वो मशीन को देखेंगे और जब मशीन वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसको सील करके जाएगी, वो भी देखेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि हरदा आप लोगों की